Good morning from Dingboche, and we started our journey at 8 a.m. in the morning. You can see the morning beauty all over around the sunny sky and the sun is shining, and we are going ahead to Lobuche. Today we have to walk almost 10 kilometers, okay, and we have set approximate time of about 9 to 10 hours. Let's see what happened. And this is nirmaan going from Dingboche. As you see, it's a big place. You can find many options to stay by, as always morning start. Much painful. So we have to start very slowly. So this is the way to Lobuche. इसी रास्ते पर हम लोग जाना है और मैं थोड़ा पीछे हूँ, हमारा साथी लोग आगे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और यह मॉर्निंग का व्यू तो दिखिए जरा कैसा स्थान उधर पीछे। अब हम काफी ऊपर आ चुके हैं और डिंगबोचे का ऑल्टीट्यूड था 4410 मीटर। अब उससे काफी हम लोग ऊपर आ गए। मेरे को तो खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रहा है। और इस ऑल्टीट्यूड में जाने के लिए आपको खुद से अच्छा से प्रिपरेशन लेना होगा, क्योंकि आसान नहीं होता है इतने सामान लेके ऊपर चढ़ना। आप यहाँ का मॉर्निंग ब्यूटी देखिए। यहाँ एक नजदीक हेलीपैड है, एक हेलीकॉप्टर ऊपर होवर कर रहा है और इसीलिए इतना आवाज आ रहा है। और देखिए हमारा पीछे पोटर भाई लोग आ रहा है कितना सामान लेके, और हम जैसे लोगों के लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं। डिंगबोचे से काफ़ी चौड़ा चढ़ने के बाद हमको ये काफ़ी प्लेन लैंड मिला और जाने में आसानी हो रहा है। और मेरा पीछे अप्रूव है, चल रहा हूँ इसी रास्ते पर आगे। आप देखो यहाँ का नज़ारा कैसे है। देख सकते हो हम डिंगबोचे से काफ़ी दूर चले आए। ये काफ़ी तरह से फ्लैट लैंड है, चलने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था जब वो एकदम स्टीपर था, अब ये थोड़ा स्टीपर है मगर इतना प्रॉब्लम नहीं है और एकदम फ्लैट ही फ्लैट है। हम आसानी से जा सकते हैं इधर उधर। ऊपर स्नो कलर्ड माउंटेन्स भी हैं, इधर काला पहाड़ भी आपको दिख सकते हैं। आप देखो यहाँ नदी की हाल कैसे बन गए, ये तो ठंड होकर जम गए ऊपर ऊपर, लेकिन पानी का धारा अभी तक बह रही है। नज़दीक जाते हैं और नीचे आप देख सकते हैं वही है पेरीचे, छोटा गांव है, शॉर्टकट हो सकता है अगर आप वहाँ से आ सकते हो, डिंगबोचे को बाईपास कर सकते हो, आसानी से आप लोबुचे आ सकते हो अगर आपको डिंगबोचे में एक्लिमेटाइजेशन नहीं करना है। इधर एक दूर पहाड़ी पर कोने में हमको एक लेक दिख रहा है, बड़े ब्यूटीफुल लेक। ऊपर स्नोक्लेड माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहा ना, आप देख सकते हो। और सामने ये ट्रेल है, हमको जाना होगा। और काफ़ी दूर आने के बाद यहाँ से हमको आगे कुछ मकान दिख रहा है, शायद वही है थुकला। इससे आगे आप देख सकते हो खाड़ी चढ़ाई है, वो चढ़ाई हमको चढ़ना होगा क्योंकि यही रास्ते पर हम लोग जाएंगे लोबुचे की ओर। आज लोबुचे में हमारा नाइट स्टे है।
और अब देख सकते हो यही है थुकला एलिवेशन 4620 मीटर और लोग मुझे दिखा रहे हैं 3 घंटा डिस्टेंस है 3 किलोमीटर दिखा रहे हैं। देखते हैं सो दिस इज थुकला वी आर गोइंग टू टेक आवर लंच हियर टुडे वी हैव नॉट एंड ऑन ब्रेकफास्ट एंड राइट नाउ इट्स वी हैव वॉक्ड फॉर 3 आवर्स वी जस्ट कवर 5.42 किलोमीटर क्या बोला तुम फ्रेंच फ्राइज कुछ है नहीं वेज ही नहीं है उसके पास कुछ भी अरे फ्रेंच फ्राइज खाएगा तो हो जाएगा देखते कितना आता है और कुछ उसे थोड़ा ही आएगा हो गए थे हो गया ऑर्डर वो सोहम का गार्लिक सूप है फिर गार्लिक सूप हाँ फिर खाना नहीं पता नहीं कुछ खा नहीं रहा है जब तुम ऊपर उठोगे ना खाना इतना ही मिलता है लेकिन बार बार देती है और प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाती है तो इधर दाल भात 850 हो गया फ्रेंच फ्राइज आ गए भाई साहब भैया के भात भात थैंक यू थोड़ा भात हाँ थोड़ा भात कोई ऑमलेट को दिखाओ इधर गाइस प्लेट ले नॉट टू मच ओके दैट्स एनफ ओके ये है थुकला का बिजी प्लेस थुकला फास्ट फूड यागला जिन रेस्टोरेंट याग थुकला इधर सब कुछ मिलता है हम लोगों ने दाल भात खाया और आप देख सकते हैं ये पीक यहाँ धूप काफ़ी तेज़ है और हम उसी रास्ते पर जाएंगे ऊपर अभी 45 मिनट हो चुके हैं हम लोग टूला बस से ऊपर आ गए उधर हमारा लंच हो गया आज का और यहाँ आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल नज़ारे उसी रास्ते पर जाएंगे वो जो ऊपर का रास्ता गया ना उसी रास्ते पर हम जाएंगे यहाँ काफ़ी तेज़ हवा बह रही है और मुझे देखो कैसे सब कुछ लगा ली क्योंकि इतना ठंड हवा है मैं सह नहीं पा रहा हूँ धीरे धीरे वो दूरी क्लाउड जम रहा है पहाड़ों के बीच और यही स्नो बन जाएगी जो लोग पैदल नहीं चल पा रहे ना उसके लिए हॉर्स का और राइडिंग का सुविधा है यहाँ पर लेकिन प्राइस तो मुझे पता नहीं So this is the place where you can find who died during ascent descent of Everest. The cemetery. All you can see, all are cemeteries. So,
हमको ऐसा ट्रेंड मिला, हम देख सकते हो काफ़ी आसान ट्रेंड। अगर हम लोग स्लोली स्लोली जाएंगे तो भी हाफ आवर और वन आवर के बीच में पहुंच जाएंगे। देखते हैं का रंग तो देखिए थोड़ा, ये एकदम फुल ब्लैक दिखता है। नेचर का क्या क्रिएशन है भाई। और अब ये देखो हम लोग लबुचे में चले आए, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, अभी तो 2:20 PM हुआ है। इधर कुछ होमस्टे और होटल भी है आप देख सकते हो। अब तो फिक्स सीजन है इसलिए हम लोग डिंगबोचे से होटल बुकिंग कर ली और हम लोग हमारा टारगेटेड टाइम से ही पहले इधर पहुंच गए। ये जो वॉल है उसके उस साइड में है कुमुक लेके। अच्छा, अभी हम लोग जाएंगे उसी के पास पास। इधर इंसेल का एड हमको दिख रहा है लेकिन इंसेल का कोई नेटवर्क हमारा मोबाइल पर तो नहीं दिखा है ना। ये पिक कौन सा है? नुप्से। ए नुप्से, ए बोलोडा। एवरेस्ट नहीं दिखाई दिया यहाँ से एवरेस्ट दिखाई देता है? ना ना। और वो वाला इधर मिट्टी से बना हुआ हमको रिसोर्ट दिखा। इको रिसोर्ट लबुचे में। राइट नाउ वी आर आउटसाइड टू एक्लिमेटाइज आवर सेल्फ एट लबुचे। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम गेट रीड ऑफ एमसीट। दिस इज द फंड ऑफ ट्रेकिंग रूल, हाइक हाई एंड स्लीप लो। और यहाँ हम लोग खुम्बू ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे, जितना तो जा सके जाएंगे। सो दिस इज खुम्बू ग्लेशियर, यू कैन सी the whole 360 view of this place. So during our acclimatization at Lobuche we have reached at Khumbu glacier point. You can see this is the whole area of Khumbu glacier and you can see there are many crevasses. It's a beautiful place and we are here. Yo. Challenging ourselves to climb here. Many body says and that it will take it 1 hour. Happen. But we just did it in 10 to 15 minutes. That's it. Thank you. Right now visibility range is becoming zero. We have to hike down slowly. So we are here in front of Khumbu Glacier. This is a memorable hike for the acclimatization of today. Dinner at we are Lobuche. Breeding cockroaches and we are going to sell it to people who are going to make something out of cockroaches. I think you should know the meaning of cockroach.